ठाकरे ने प्रियंका चहल चौधरी का नाम ले लिया है। इससे जो है प्रियंका तो काफी ज्यादा हैरान हुई है, वहीं पर काफी घर वाले काफी ज्यादा हैरान हुए हैं। निमृत एमसी स्टैन और सुम्बुल को बड़ा झटका लगा है और मैं अपने बारे में बोलूं तो मुझे भी लगा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बात तो ये है कि एक क्लैरिटी चेक जो है शिव ठाकरे को दिया है बिग बॉस ने कि भाई तुम्हारी गेम जो है डालमडोल हो रही है, अपनी गेम को थोड़ा अप करो। और उसके बाद से जो है शिव ठाकरे लग गए हैं कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, कुछ ऐसी चीज करूं जो कि काफी ज्यादा काया पलट दे। तो वहीं पर जो है शिव ठाकरे ने जो है जैसे ही बिग बॉस ने पूछा कि भाई किसके पास कैप्टनसी रहनी चाहिए और किसको मिलनी चाहिए, आप सब लोग बताइए, तो वहीं पर सब लोगों ने अपना अपना नाम लिया और फिर किसी और का नाम लिया। वहीं पर जैसे ही शिव ठाकरे की बारी आई, शिव ठाकरे ने एक शॉकिंग नाम लिया, वो है प्रियंका का। पहले तो बोला कि एक तो मेरे हिसाब से कैप्टनसी जानी चाहिए एमसी स्टैंड के ऊपर, एमसी स्टैंड को देनी चाहिए क्योंकि वो स्ट्रांग प्लेयर है। दूसरा जो है पहले ही दिन से मुझे लगता है कि प्रियंका काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको जानी चाहिए कैप्टनसी। तो भाई ये बंदा वही है जो कि कन्फेशन रूम में ये बात बोल रहा है कि जीरो हो गई है प्रियंका। अब जब बिग बॉस ने पूछा तब उनकी तारीफ करते हुए मुंह पे ये बात बोल रही हैं कि भाई अब जो है ये स्ट्रांग प्लेयर है, अब तक मुझे स्ट्रांग प्लेयर लगती है, और उसके बाद उनका नाम ले दिया। हालांकि हर कोई हैरान होगा, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हुई हूं। ये शिव ठाकरे की एक अलग तरीके की गेम है भाई, इस गेम इनके माइंड में क्या चल रहा है मैं तो नहीं समझ पाई हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि इन्होंने क्यों लिया होगा प्रियंका का नाम, क्या सोच के क्या बदलाव करना चाहते हैं इसलिए प्रियंका का नाम ले दिया? डेफिनेटली निमृत और सुम्बुल को तो झटका लगा ही है कि भाई एमसी स्टैंड का नाम लिया ठीक है, पर हमारे में से लेना था ना, अगर एक नाम लेना था अपना नहीं लेना था, निमृत का ले लेता, अगर नहीं तो सुम्बुल का ले लेता। सुम्बुल आज तक कैप्टन नहीं बनी है, क्या है आपके विचार बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।